गाइज आज है हमारे पास ये ब्लूटूथ नेकबैंड जिसके करने वाले हैं हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू। देखने वाले हैं साउंड की क्वालिटी कैसी है, बॉक्स की क्वालिटी कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सो गाइज सबसे ऊपर लिखा हुआ है बोट जो कि बिल्कुल फेक लिखा हुआ है और यहाँ पर मिल जाता है मैग्नेटिक और यहाँ पर 48 घंटे का बैटरी बैकअप है, ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर डिज़ाइन की बात कर जाए, डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मॉडल नंबर इसका मेंशन है, साइड में ब्लूटूथ का आइकन बना हुआ है और यहाँ पर इस बंदे ने इसका ऐड किया हुआ है जो कि बिल्कुल फेक है। डिज़ाइन कुछ इस प्रकार मिल जाता है जो कि अंदर की क्वालिटी हमको चमक रही है और बैक साइड में कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन मिल जाते हैं और यहाँ पर इसके मॉडल नंबर वगैरह भी हैं और यहाँ पर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह भी मेंशन है जो कि आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। लेकिन हम जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं इसकी क्वालिटी। बॉक्स की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक है और अंदर की भी क्वालिटी ठीक ठाक है। सबसे पहले मिल जाती है हमको इसमें एक डाटा केबल नॉर्मली है पर इसे अच्छे से चार्ज कर देती है। ये जो हमारे पास नेकबैंड है ये बोट का कोई भी ओरिजिनल नेकबैंड नहीं है बल्कि बोट का कॉपी नेकबैंड है जिसे आप लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो। इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का मिल जाता है लेकिन ये बोट का ओरिजिनल ईयरफोन नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एक कॉपी प्रोडक्ट है यानी कि लोकल प्रोडक्ट है। ये आपको ऑनलाइन वगैरह नहीं मिलेगा, आप इसे लोकल मार्केट से ही परचेस कर सकते हो क्योंकि ये कॉपी प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके साउंड की क्वालिटी की भी बात करेंगे आगे चलकर, पहले इसके डिज़ाइन वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिल जाते हैं 3 बटन माइनस और प्लस, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच और यहाँ पर मिल जाता है एक माइक। साइड में प्रोटेक्शन के साथ V8 चार्जिंग जैक कनेक्टर मिल जाता है जिससे हम इसे इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसे ऑन और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है और वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसका कुछ इस प्रकार मिल जाता है और ये मैग्नेटिक भी है, ये भी काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है। लेकिन इसके साउंड की क्वालिटी की बात करते हैं, आखिर साउंड की क्वालिटी कैसी है। यहाँ से ऑन हो चुका है और अपने फ़ोन से करके देखते हैं इसको कनेक्ट। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर आ चुका है, इसे करते हैं यहाँ से कनेक्ट, वॉल्यूम करते हैं फुल और देखते हैं इसकी साउंड की क्वालिटी कैसी है। गाइज जैसे कि हमने इस नेकबैंड में गानों की कुछ लिरिक्स सुनी हैं उनके हिसाब से देखा जाए इसमें जो साउंड है काफ़ी लाउडली मिल जाते हैं और इसमें बेस की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी डीप मिल जाती है और ट्रिबल की क्वालिटी काफ़ी क्लियर सुनाई देती है। ओवरऑल साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जिस बजट रेंज में आता है उसके हिसाब से बेस्ट है, आपको यदि परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो, आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। गाइज यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।